हेलो वीवर्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉन किड्स बायोग्राफी पहले मैंने जॉन किड्स की बायोग्राफी को इंग्लिश में डिस्कस किया है अदर वीडियो में और इस टाइम मैं इसे इंग्लिश हिंदी में डिस्कस करूँगी जॉन किड्स वाज अ ग्रेट पोएट जॉन किड्स वाज बोर्न ऑन अक्टूबर थर्टी वन सेवनटीन इन लंडन इन इंग्लैंड एंड ही डाइड ऑन ट्वेंटी थ्री फेबरवरी एटीन ट्वेंटी वन जस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर के एज में उनकी मौत हो गई थी इंग्लिश रोमांटिक पोट जॉन किर्स डिवोटेड हि शॉर्ट लाइफ टू परफेक्शन ऑफ पोट्री जॉन किर्स ने अपनी छोटी सी लाइफ जो कि सिर्फ ट्वेंटी फाइव ईयर्स की थी उसको पूरी तरह पोएट्री को समर्पित कर दिया था डिवोट कर दिया था इस पोट्री हैड विविड इमेजरी ग्रेट सेंस ऑफ पील एंड फिलोसफी उनकी पोट्री में बहुत ही सुंदर इमेजरी रहता था और एक संशोस्त अपील रहता था जो कि इंद्रियों को अपील करता था जो हमको बहुत ही ज़्यादा मनमोहित करता था और एक डीप फिलॉसफी छिपा रहता था एक सिंपल स्टोरी में एक डीप फिलासफी छिपा रहता था द सन ऑफ लाइवरी स्टेबल मैनेजर जॉन किड्स रिसिव्ड रिलेटिवली लिटिल फॉर्मल एजुकेशन जॉन किड्स जो थे वो उनके जो पिता थे वो अस्तबल में काम करते थे और घोड़े से गिरने से उनकी मौत हो गई एटीन ज़ीरो फोर में तो उनका जो परिवार था बहुत ज़्यादा एक तरह से गरीब था तो उनका जो एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हो पाया था ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन वो नहीं ले पाए थे अब हिज मदर रिमेरिड ऑलमोस्ट इमिडिएटली अब उनके पिता की मौत के बाद उनकी जो माँ ने तुरंत शादी कर ली दूसरी शादी कर ली थ्रू आउट हिज़ लाइफ कीड सेट क्लोज इमोशनल टाइज टू हिज सिस्टर फैनी एंड इस टू ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम अपनी पूरी लाइफ किड्स अपने ब्रदर्स और सिस्टर के काफ़ी क्लोज रहे उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था उनकी बहन का नाम फैनी था और ब्रदर्स थे जॉर्ज और टॉम आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ देयर मदर्स सेकेंड मैरिज किड्स चिल्ड्रन लीड विद देयर विडोर ग्रैंड मदर एट एडमिन्टन अब माँ की मौत के बाद वो अपने ग्रैंड मदर के पास रहने लगे जो कि एडमिटन में रहती थी और जॉन के सटेंडेड स्कूल एट एनफील्ड टू माइल्स अवे दैट वाज रन बाय जॉन क्लार्क हुज सन चार्ल्स काउडन क्लार्क डिड मस्ट टू एनकरेज किड्स लिटरी एस्पिरेशंस अब उन उनका जो दाखिला है एनफील्ड के एक स्कूल में हुआ था जहाँ वो पढ़ते थे और जो उस स्कूल को चलाने वाले थे जॉन टर उनके बेटे थे चार्ल्स काउडन क्लार्क उन्होंने काफ़ी इंक्रेज किया किड्स को वो उनके दोस्त बने और उनको काफ़ी इंक्रेज किया अपने लिटरेरी कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए वो देख चुके थे कि इन जॉन किड्स में एक पोइट का गुण है तो उन्होंने बहुत उनको उन्हों इनकेज किया और दोनों के दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बने रहे ही बिगैन टू रीड वाशसली आफ्टर द दे डेथ अब क्या हुआ कि अपनी जो उनकी माँ की मौत हो गई उसके बाद वो आ, अपने आप को अपने फेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे अपने आप पोट्री कैरियर के, को आगे बढ़ाने के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ किड्स मदर्स इन एटीन टेन देयर ग्रैंड मदर्स पुट देव इंटू हैंड्स ऑफ गार्जियन रिचर्ड एबे अब माँ के जाने के बाद उनके जो गार्जियन थे वो हो गए रिचर्ड एबे एट द रिचर्ड इन्स्टिगेशन जॉन किड्स वॉज अप्रेंटिस्ट टू सर्जन एट एडमटन इन एटीन अब जो एबे थे मिस्टर एबे थे उन्होंने जॉन किड्स को एज ए अप्रेंटिस एंगेज कर दिया सर्जन uh, के अप्रेंटिस के रूप में वो एक मेडिकल uh, लाइन में काम करने लगे क्योंकि उनको अपने uh, जीविका चलाने के लिए अर्निंग करनी थी ही ब्रोक ऑफिस अप्रेंटिस शिफ इन एटीन फोटीन एंड वेंट टू लिव इन लंडन वेयर ही वर्कड एज अ ड्रेसर और जूनियर हाउस सर्जन एट गाइस एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल अब आगे चल के वो उन्होंने ये जो अप्रेंटिसशिप uh, थी वो ब्रेक कर दी और वो चले गए लंदन वहाँ किसी और हॉस्पिटल में काम करने हिज लिटरी इंटरेस्ट हैड क्रिस्टलाइज्ड बाई दिस टाइम एंड आफ्टर एटीन सेवनटीन ही डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू द पोट्री अब उनको समझ में आ गया था कि उनको उनका जो uh, असली जो लाइफ uh, है पोट्री के साथ है वो तभी खुश रह सकते हैं जब वो पोट्री लिखेंगे तो उन्होंने सारा ये मेडिकल कैरियर छोड़ दिया और वो पोट्री को पूरी तरह से अपना टाइम देने लगे और वो पोएट बनने के लिए एकदम डिसाइड कर लिए कि मुझे पोएट ही बनना है नो मैटर वॉट फ्राम देन अनटिल हिज अर्ली डेथ द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इज लार्जली द स्टोरी ऑफ पोट्री ही रोट अब इससे शुरू होता है उनका जो पोएट कैरियर और उसके बाद उनका जो सारा लाइफ था कह सकते हैं कि वो स्टोरी ऑफ पोएट्री है और उनका जो लाइफ था वो पोट्री के साथ सिनोनिमस हो गया अर्ली वर्क नाउ डिस्कस लेट्स डिस्कस अबाउट अर्ली वर्कस ऑफ जॉन किड्स चार्ल्स काउडन क्लर्क हेज इंट्रोड्यूस्ड द यंग किड्स टू दोइट्री ऑफ एडमन स्पेंसर एंड द एलिजथन्स एंड दीज वर हिस्स अर्लीएसट मॉडल्स अब जैसे कि मैंने बताया था कि चार्ल्स काउडन क्लर्क उनके फास्ट फ्रेंड थे और उन्होंने ही उन्होंने ही उन्हों उनको बुक्स ला के देते थे जॉन किड्स को एलिजाबन्स के बुक्स ला के देते थे एडमन स्पेंसर के और अदर बुक्स तो जिनको वो पढ़ते थे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस होते थे उस बुक से एडबन स्पेंसर से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए और मेरे से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे मेरे का जो इमेजरी था जो मेडिवलिज़म था उनको बहुत अट्रैक्ट करता था नेचर के प्रति उनको बहुत ज़्यादा प्यार था और हमेशा से वो इन अपनी इन एक्सपीरियंसिस को पोट्री में लिखना चाहते थे और उन्होंने आ, एलिजाबंस को अपना मॉडल बनाया पोट्री लिखने के लिए मतलब उनकी पोट्री को देख के वो इंस्पायर होकर उसी तरह की पोट्री लिखना चाहते थे इस फर्स्ट मैच्योर पोएम इज़ दी सोनेट ऑन द फर्स्ट लुकिंग इंटू चैपमस होमर अब उनका फर्स्ट पोट्री पोट्री जो पब्लिश हुआ वो था ऑन द फर्स्ट लुकिंग इंटू चैपमस होमर विच वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज एक्साइटेड रीडिंग ऑफ जॉर्ज चैपमेन अ क्लासिक सेवनटीन सेंचुरी ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड द दिस अब ओडिसिस एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्रीक पोयम था बहुत ही ज़्यादा एक एपिक था ग्रीक में लिखा गया जिसका ट्रांसलेशन जॉर्ज चैपमैन ने किया था एलिजाबेथन एज में जॉर्ज चैपमैन एक ड्रामाटिस्ट थे लेकिन उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था ओडिसिस का और वो बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन था इस ट्रांसलेशन को जब हमारे जॉन गर्ट्स ने पढ़ा तो वो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सम्मोहित हो गए और उन, उन्होंने चैपमेंस की तारीफ करते हुए होमर के ओडिसिस की तारीफ करते हुए ये पोएम लिख डाली क्लार्क ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड किड्स टू दी जर्नलिस्ट एंड द कंटेम्प्रेरी पोएट लेग हंट एंड किड्स मेड फ्रेंड्स इन द हंट सर्कल विद द यंग पोएट्स जॉन हैमिल्टन रेनल्ड विथ पेंटर जो बेंजामिन हेडन विद पी बी शेली एंड मैनी मोर अब क्लार्क ने क्लार्क एक रिच सर्कल को बिलोंग करते थे तो उन्होंने अपने दोस्त किड्स को और भी जर्नलिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया लेग हंट के साथ इंट्रोड्यूस किया लेग हंट एक मैगजीन uh, चलाते थे द एग्जामिनर करके बहुत ही अच्छे पोइट भी थे और उन्होंने किड्स को आगे चल के बहुत सपोर्ट किया उन्होंने लाइफ लॉन्ग सपोर्ट किया जॉन किड्स को और वो किड्स की बहुत तारीफ़ करते थे वो फर्स्ट मैन लिटरेरी मैन थे जो मैन थे जो जॉन किट्स की तारीफ करते थे फिर उन्होंने उनका जो सर्कल है लिटरेरी सर्कल बढ़ते गया उस सर्कल में पी बी भी शामिल हुए जॉन हैमिल्टन थे मैनी पेंटर्स भी थे बहुत सारे पोइट्स भी थे बेंजामिन हेडन पेंटर थे सरवन पेंटर थे ये सब उनके दोस्त बने और इस तरह से उनका जो दायरा है बढ़ते गया किड्स फर्स्ट बुक पोएम वॉज पब्लिश इन मार्च एटीन सेवनटीन एंड वॉज रिटर्न लार्जली अंडर दंश एंड इन्फ्लुएंस अब उनका जो अर्लीयर जिस जो दोस्त थे हंट लेग हंट उनका उनके पोएट्री पर बहुत प्रभाव हुआ और अपनी जो उनकी पोएटरी थी अर्लीयर उसमें हंट का प्रभाव हम देख सकते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम इन द बॉलीव स्लीप एंड पोट्री इन एटीन सेवनटीन किड्स लेफ्ट लंडन ब्रीफली फॉर अ ट्रिप टू आइजल ऑफ वेट एंड कैंटरबरी एंड बिगेन वर्क ऑन एडामियन हिस फर्स्ट लॉन्ग पोएम तो एक उन्होंने पोट्री लिखी स्लीप एंड पोट्री अब उसके बाद वो लंदन चले गए लंदन में एक ट्रिप में चले गए वो और उसके बाद वहाँ उन्होंने एक पोट्री पे काम करना शुरू किया जिसका नाम था एडामियन एडामियन उनकी फर्स्ट लॉन्ग पोयम थी एडामियन एक ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड पोएम था मतलब क्रीक मतलब किड्स तो थे तो इंग्लैंड के थे बट उनको ग्रीस से बहुत ज़्यादा लगाव था ग्रीक की चीज़ों से लगाव था ग्रीक माथोलॉजी से लगाव था ग्रीक लिटरेचर से लगाव था और वो हमेशा इसको पढ़ा करते थे ट्रांसलेशन में इंग्लिश ट्रांसलेशन में और उनके बारे में लिखते थे बहुत सारी पोट्री में उन्होंने इस ग्रीक एलिमेंट को लिखा है इसीलिए उनको कई बार हेलेनिक भी कहा जाता है जॉन किड्स को हेलेनिक कहा जाता है क्योंकि हेलेनिक का मतलब होता है ग्रीक का ऑन इज रिटर्न टू लंडन ही मूड इन टू लॉजिंग्स इन हेम्पस्टेड विथ हिज़ ब्रदर जब वो लंदन से वापस आए तो वो अपने ब्रदर के साथ हेम्स्ट चले गए एडामियन अ पियर इन एटीन एटीन द पोयम नरेट्स वर्जन ऑफ़ द ग्रीक लेजेंड ऑफ़ द लव ऑफ अ मून गॉडेस फॉर एडामियन अ मोटल शफर्ड अब एडामियन एटीन एटीन में पब्लिश हुआ और ये जो पोएम है एक एक लेजेंड को नरेट करता है एक कहानी को नरेट करता है जो कि ग्रीक है और इसमें मून गॉडिसिस के बारे में बताया गया है मून गोडेसिस जो चंद्रमा की देवी है और उसको आ, कैसे एडामियन से प्यार हो जाता है जो कि एक शेफर्ड रहता है एडामियन एक शेफर्ड रहता है उस उससे मून गोडसिस का प्यार हो जाता है इसके बारे में कहानी है और ये कहानी काफ़ी लॉन्ग थी और जो इसका स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था ऑर्डिनरी था तो जॉन जॉन किड्स को उस समय के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने काफ़ी अटैक किया ब्लैकवुड मैगजीन के क्रिटिक्स क्वार्टरली रिव्यूज़ के ये सब मैगजीन था जिसके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि कैसे पोएम लिखी है कैसे उतना अच्छा नहीं है करके उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जिससे उनका जो जो वो काफ़ी हर्ट हुए वो और वो ना सिर्फ मन से हर्ट हुए बल्कि उनका जो पोइट्रिक करियर था वो भी थोड़ा सा डावाडोल होने लगा पर बाद में उन्होंने फिर अब अप से अपने आप को संभाल लिया up let's discuss about personal crisis in the summer of 1818 keats went to walking tour in the lake district north england and scotland with his friend charles brown and his exposure and overexertion on that trip brought on first symptoms of tuberculosis of which he was to die so said up summer of 1818 may जॉन किड्स ने एक यात्रा शुरू की एक, एक वॉकिंग टूर शुरू की मतलब पैर से चल पैर से चलते चलते ही बहुत लंबी यात्रा जहाँ पर वो नॉर्दर्न इंग्लैंड की यात्रा में गए लेक डिस्ट्रिक की यात्रा में गए और जहाँ पर उनके साथ में उनके फ्रेंड जो थे चार्ल्स ब्राउन भी साथ में थे और कुछ और फ्रेंड्स थे पर यहाँ पर क्या हुआ वो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया उनको और एग्जर्शन हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब वो थक गए और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए अब इसमें उसी समय यात्रा के बाद उनका जो उनके उनके जो फैमिली में ट्यूबर क्लॉसिस था वो उसके लक्षण उनके में नज़र आने लगे उनकी माँ की माँ ट्यूबर कलॉसिस से हुई थी उनके भाई में भी ट्यूबर क्लॉसिस था उनके भाई को भी ट्यूबर क्लॉसिस था और अब उनको भी ट्यूबर क्लॉसिस हो चुका था जो कि एक कहना कहना चाहिए कि संक्रामक बीमारी थी और इस तरह से उनका जो फर्स्ट साइन है वो उनको दिखने लगा कि उनको भी ट्यूबर क्लॉसिस है ऑन his रिटर्न टू London, अ ब्रूटल criticism ऑफ his अर्ली पोएम्स appeared इन ब्लैकवुड मैगजीन फॉलोड by द सिमिलर अटैक ऑन एडामियन इन द Quarterly रिव्यू अब जैसे कि मैंने बताया कि जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने तब उन्होंने देखा कि मैगजीन था ब्लैकवुड मैगजीन करके क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन था उसमें उनके पोएम एडामियन को और और एक और स्लीपर पोइट्री पोएम जो था उसका काफ़ी क्रिटिसाइज़ किए थे उन्होंने और कहा था कि अच्छी पोएम नहीं लिखी है अच्छे से मतलब डीलिंग नहीं की पोएम की इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ पोट्री में इस सब को देख के वो काफ़ी हर्ट हुए कॉन्ट्ररी टू लेटर एसर्शन किड्स मेट दिस रिव्यूज विद हाफ काम्स एजर्शन ऑफ हिज ओन टैलेंट एंड ही वेंट ऑन स्टली राइटिंग पोट्री बट ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया इस क्रिटिसिज्म को और अपने पोट्री लिखना जारी रखा पर कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसा था कि उनको प्रॉपर अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे बट देर वर फैमिली ट्रबल्स किड्स ब्रदर टॉम हैड बीन सफिंग सफरिंग फ्रॉम ट्यूबर क्लासेस फॉर टाइम एंड इन ऑटमन ऑफ एटीन एटीन पोएट नर्स हिम थ्रू हिज लास्ट इलनेस अब लेकिन उनका जो फैमिली कंडीशन था वो भी अच्छा नहीं था उनके जो ब्रदर थे टॉम वो सफ़र कर रहे थे ट्यूबर क्लासेस से और उनकी वो सेवा कर रहे थे जॉन किट्स फिर अंत में जो टॉम थे उनकी मौत हो जाती है टिब्रोकॉसिस से और और वो एटीन एटीन में आ, मर जाते हैं अबाउट द सेम टाइम ही मेड फैनी ब्राउन नियर नेबर इन हेम्पस्टेड अब जॉन किड्स जब हेम्पस्टेड में रहते थे उसी समय उनकी मुलाकात फ़ैनी ब्राउनी नाम की एक लेडी से होती है विथ होम ही सून फेल हैपलेसली एंड ट्रेजिकल इन लव जिनके साथ वो प्यार में पड़ गए और ये ये इनकी ज़िंदगी पे बहुत प्रभाव डाला ये इनका जो लव अफेयर था द रिलेशन विद द फैनी हैड ए डिसाइसिव इफेक्ट ऑन कीट्स डेवलपमेंट ही सीम्स टू हैव बीन ए एक्सेप्शनल यंग वुमेन अब इनका जो रिलेशनशिप था इसका इनके पोट्री और इनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा फैनी ब्राउनी बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर बहुत ही एक्सेप्शनल वुमेन थी After Tom's death, George had already gone to America. Kids moved into Wentworth Place with Brown, and in the April of 1919, Fanny Brownie and her mother became his next-door neighbors. अब हुआ ये कि आ, उनके जो एक brother थे, Tom उनकी तो मौत हो गई थी, और इनके दूसरे brother थे, George, वो मेट, अमेरिका में सेटल हो गए थे, तो Kids अकेले पड़ गए थे, so वो Wentworth Place में सेटल हो गए, अपने friend Brown के बगल में और वहाँ पर वो फैनी ब्राउन जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उनकी पड़ोसी भी थी जो अपनी माँ के साथ वहाँ रहती थी अबाउट अक्टूबर एटीन नाइनटीन किड्स बिकेम इंगेज टू फैनी और एटीन नाइनटीन में किड्स का एंगेजमेंट हो गया फ़ैनी से द ईयर एटीन नाइनटीन किड्स हैड रिटर्न ईजा विल्सो इन एडेप्टन ऑफ़ द स्टोरी ऑफ द पॉट ऑफ बेसिन इन बोकेशियो डेकामेरन अब ईसा एटीन नाइनटीन में जॉन किट्स ने एक पोएम लिखी थी इजाबेला जो कि एक बहुत ही फेमस इटालियन पोएट थे डेका मेरन उनका जो सॉरी वोशो थे उनका जो पोइट्रिक पोटिक वर्क था डेका मेरन उससे इंस्पायर था उसकी स्टोरी इसमें ली गई थी इन एटीन सेवनटीन एंड एटीन सून आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द एडामियन एंड अगेन वॉज डिसाई विद द वर्क अब ये जो ईसा था वो एक गौथिक टाइप की स्टोरी थी इस स्टोरी में एक लड़की की कहानी बताई गई थी जिसमें उसका जो लवर था उसको उसके लवर को उसके ब्रदर लोग मार दिए थे फिर उसने उस अपने जो हस्बैंड का जो सिर था उसको ले आया था और एक बेसिल का पौ था एक तुल एक तुलसी टाइप का पौधा होता है उसके अंदर में उसको दबा दिया था उसको उनके जो सिर को और वो रोज़ रोती थी अपने रो रो के वो उसको सींचती थी उस पौधे को पर एक दिन उसके भाइयों को पता चल गया कि किस एस, ऐसा क्यों करती है करके और उन्होंने जब डिस्कवर किया कि वहाँ पर उसका हेड था तो उन्होंने उसके हेड को नष्ट कर दिया तो वो और एकदम पागल हो गई इसाबेला इस तरह से एक गौथिक टाइप की स्टोरी एक, एक मतलब भूतिया टाइप की सुपरनेचल टाइप की स्टोरी थी ये जिसको इस जिसको जॉन क्रिश ने लिखा था अब इस पोट्री में अगेन लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया ये पोट्री भी बट ये आगे चल के इस पोट्री को बाकी के जनरेशन ने बहुत अप्रिशिएट किया

एक 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 तरह से मिनी एपिक टाइप का पोयम था हाइपेरियन जो किड्स ने लिखा दो पार्ट्स में और आगे चल के उन्होंने एक ट्रेजडी भी लिखी ऑथो करके ऑथो द ट्रेजिडी करके एक ट्रेजडी भी लिखी जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई द पोट्री वॉज कम्पोस्ड अंडर द स्ट्रेन ऑफ इलनेस एंड ग्रोइंग लव फॉर ब्राउनी एंड इट इज़ एन एस्टोनिशिंग बॉडी ऑफ वर्क मार्क्ड बाई द केयरफुल एंड कंसिडर्ड डेवलपमेंट टेक्निकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल अब उनकी जो पोट्री थी वो एक इलनेस के इन्फ्लुएंस के अंदर लिखी गई थी मतलब ट्यूबर क्लॉसिस उनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर ट्यूबर क्लॉसिस था उनको दिन भर बुखार रहता था खून की उल्टियाँ होती थी और इस इस कंडीशन में भी वो दिन भर ब्यूटी की बात करते थे लव की बात करते थे सेंस प्लेजर की बात करते थे और उनका जो लाइफ उनका जो अफेयर था ब्राउन फैनी ब्राउन के साथ वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था क्योंकि बीच uh, बीच में उनके झगड़े हो जा रहे थे इस तरह से कंडीशन में उन्होंने पोट्री लिखी लेकिन पोट्री आज इंग्लिश लिटरेचर की एक लाइफ लॉन्ग धरोहर बन गई है और बहुत ही ग्रेट uh, पोट्री के रूप में उनके पोट्री को माना जाता है नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन ऐसा बेला है सम वीकनेसेस ऑफ एडामियन बट ईव ऑफ सेंट एग्नेस मे बी कंसिडर्ड परफेक्ट कल्बिनेशन ऑफ किड्स अर्लीयर पोइटिक स्टाइल अब ईशा ईशा बेला में कुछ कमियाँ थी एडामियन में कुछ कमियाँ थी क्योंकि अर्ली वर्क्स थे लेकिन जो इसके बाद के जो पोट्री थी द ईव ऑफ सेंटेग्निस जो एक लॉन्ग नरेटिव पोयम था उसमें किड्स का जो किड्स ने बहुत ही अच्छे से इस पोट्री को लिखा था रिटर्न इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ इस मीटिंग विथ ब्राउन इट कन्वेज एन एटमोसफियर ऑफ पैशन एंड एक्साइटमेंट इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द एलोपमेंट ऑफ पेयर ऑफ यूथफुल्ल लवर्स अब ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी थी ईफ सेंटेग्निस इसमें दो दो लवर्स थे मेडलिन एंड फोर पॉफिरो पौर, और इनकी इनके जो फैमिली थी आपस में लड़ाई थी फिर भी इनमें लव था जैसे कि इसमें इस कहानी में जो कहानी है इसमें जो रोमियो और जूलियट है शेक्सपियर उसके जैसा थोड़ा थोड़ा कहानी है पूरा तो नहीं है बाकी कुछ कुछ, कुछ आ, इसका ओवरटोन इसमें है अब इस कहानी में ये दोनों आपस में प्यार करते हैं फिर आपस में ये इनका जो मिलन नहीं हो पाता फिर ये बा आखिरी में भाग जाते हैं ऐसी ये कहानी है और ये जो कहानी है स्पेंशरियन स्टैंडा में लिखी गई है ये बहुत ही पॉपुलर पोएम है जॉन किड्स का रिटर्न इन द फ्लश ऑफ हाँ और इस समय जो इनका जो खुद का लव अफेयर था फैनी ब्राउन से उस लव अफेयर के भी इसमें झलक दिखाई देती है और उनका जो जेन्यून पैशन था वो जेन्यून पैशन इस जन, इस पोट्री में झलकता है थीम विध अन डेलीकेसी इस पोएम कोजा में लिखा गया है और ये बहुत ही सुंदर पोयम है देन कम्स लेमिना लेमिना इज अनादर पोयम एंड इज ए डेलीवरेट टू रिफॉर्म टेक्निकल वीकनेसेस अडामियन अब लेमिना जो है एक कहानी है जो स्नैक एक तरह से स्नैक वमेन की कहानी है एक तरह से इच्छाधारी नागिन टाइप का कह सकते हैं वैसी वाली कहानी है अगेन कुछ गौथिक एलिमेंट्स है इसमें और इसमें जो टेक्निकल कमियां हैं वो एडमियन की जो कमियां थी उसको उनको सुधार लिया गया है जॉन किर्ट्स ने द ओड आर किट्स मोस्ट डिस्टिंगटिव पोटिक अचीवमेंट अब जॉन किर्ट्स ने जो सिक्स ओड लिखा है उसको इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ट ओड कहा जाता है और इसमें एकदम पोटिक पोटिक अचीव बहुत ही ज़्यादा हाई पोटिक अचीवमेंट को उन्होंने हासिल किया है ओड में ओड एक तरह का पोयम होता है जो कि किसी को संबोधित करते हैं किसी को एड्रेस करते हुए लिखा जा, जाता है और जॉन किड्स ने सिक्स फेमस ओड्स लिखा है ऑल द ओड ऑफ द किड्स वेयर कंपोज्ड बिटवीन मार्च एंड जून एटीन एक्सेप्ट टू ऑटमन विच वॉज फ्रॉम सेप्टेम्बर फ्रॉम सेप्टेंबर अब जॉन किड्स ने जो सारा का सारा जो ओड लिखा है वो सारा का सारा एटीन नाइनटीन में ही लिखा है और ये मार्च और जून के बीच में लिखा है बाकी जो ओड टू तो आउटमैन ये सेप्टेम्बर में लिखा है मतलब ये लास्ट ओड था उनका द ओड टू आउटमैन द सब्जेक्ट वॉज फोर्स्ड अपॉन किड्स बाई द पेनफुल डेथ ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज ओन फेलिंग हेल्थ एंड द ओड हाईलाइट्स द स्ट्रगल फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड सर्टेटी थ्रू दी लिबरेटिंग पावर्स ऑफ इस इमेजिनेशन अब जॉन किट्स में इनका सब्जेक्ट मैटर क्या था इसमें जो ओट्स में अब उनके जो भाई थे उनकी मौत हो गई थी बहुत ही कम उम्र में ट्यूबर क्लॉसेस से वो खुद खुद उनका हेल्थ खराब था ट्यूबर क्लासेस से इस तरह से उन्होंने देखा कि कैसे जो यूथ है बीमारियों से ग्रस्त है बहुत जल्दी यंग हो यंग लोग डाई हो रहे हैं इस तरह से थीम ऑफ मोर्टैलिटी मर मतलब समझो जीवन और मृत्यु का थीम ये सारे ओड में है कैसे जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा क्षण भंगुर है बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है कैसे यूथों यूथ्स को बीमारी हो जाती है ये सारे सारा ये जो है इसमें और उन्होंने इस ओड के जरिए अपने जो दुख दर्द को बयान किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस ओड को पढ़ के दुखी हो जाएंगे इस ओड को पढ़ के हमको जीवन की फिलॉसफी के बारे में पता चलता है कि जीवन कितना गहरा है और हम और ज़्यादा इसको हमको खुशी मिलेगी इस ओट्स को पढ़ के मिलती है इन द ओड टू नाइट एंगल अ विजन हैप्पीनेस इज़ बीइंग विथ द नाइट एंगल अब उनका जो सबसे फेमस ओड था वो था ओड टू नाइट एंगल एक इसमें एक विजन है इसमें एक, एक क्या था इस जब ओड को लिख रहे थे तो जॉन किट्स बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और वो दुखी थे अपनी लाइफ से और वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे पेड़ के नीचे वो नाइट एंगल का गाना सुन रहे थे और नाइट एंगल का गाना सुनते सुनते ऐसा लगा कि वो नाइट एंगल की दुनिया में ही पहुंच गए हैं और वो वो वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ नाइट एंगल बैठी है और वो अपने आप को बहुत खुशी महसूस करते हैं कुछ समय के लिए उनका दर्द कम हो जाता है और वो उसकी दुनिया में पहुँच बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि हम अगर मनुष्य भी कुछ समय के लिए इस तरह से सॉन्ग सुनते सुनते दूसरी दुनिया में जाके खो सकते हैं अपने दुख दर्द को भुला सकते हैं फिर वो कुछ समय बाद क्या होता है कि अचानक से अपने जो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं वो और उनको लगता है कि जो फैंसी है जो कुछ किसी प्रकार का सॉन्ग है किसी प्रकार की फैंसी हमेशा हमको चीट नहीं कर सकती बल्कि हमको जीवन के वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा इस तरह से ये जो पोएम बहुत ही सुंदर पोएम है और इस पोएम में जॉन किड्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है और इसमें बताया गया है कि कैसे जो जीवन है क्षण भंगुर है ट्रांजेंट है और कैसे ब्यूटी है थोड़े समय के लिए ये सारा चीज़ बताया गया है सो द सॉन्ग इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द और इसमें uh, कहा गया है कि जो नाइटिंगल का जो सॉन्ग है अमर है और जो इंसान की जिंदगी है वो छोटी है सो द सॉन्ग इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द डेड वेट ऑफ द ह्यूमन ग्रीफ एंड द सिकनेस एंड द ट्रांजियंस ऑफ यूथ एंड ब्यूटी द फीलिंग स्ट्रोंगली ब्रॉट होम टू द किड्स इन द रिसेंट मंथ बाई द ब्रदर्स डेथ द सॉन्ग ऑफ द नाइटेंगल इज सीन एज अ सिंबल ऑफ आर्ट दैट कॉन्टलास्ट द इंडिविजुअल्स मोटर लाइफ तो ये जो नाइटेंगल का सॉन्ग एक तरह का सिंबल है जो कि इंसानी ज़िंदगी से परे है और इंसान इंसानी जो ज़िंदगी है जो कि हम हमेशा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है पर जो नाइटेंगल का जो सॉन्ग है वो हमेशा अमर रहता है मतलब जो आर्ट है जो एक आर्ट है वो कभी नहीं मरता जैसे कि जॉन किट्स आ, की मौत हो गई है लेकिन उनका जो आर्ट है जो उनका जो पोल्ट्री है वो कभी नहीं मरेगा जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी जॉन किड्स की पोट्री रहेगी दिस थीम इज टेकन अप मोर डिस्टिंगली इन द ओड ऑन ग्रीशियन अर्न अब ये जो थीम है मोर्टेलिटी का थीम वो कुछ स्टेप आगे ले जाया गया उनके नेक्स्ट ओड में ओड ऑन द ग्रीशियन अर्न द फिगर ऑफ द लवर्स डिपिक्टेड ऑन द अर्न बिकेम फॉर हिम द सिंबल ऑफ एन अपरेंट बट ए अनकंज्यूमेड पैशन अब इस इस ओड टू ग्री कर्न में क्या होता है कि उन्होंने जो ग्रीस एक देश है मैं बताई थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे तो ग्रीक के अर्न को अर्न मैंने एक तरह का कलश होता है उन्होंने देखा था और उस कलश पे जो चित्र बने हुए थे उसको देखकर कर उन्होंने आ, कुछ एक पोट्री लिख डाली थी जिसका नाम था ओड ऑन ग्रोशियन अर्न तो इसके बारे में इसमें बताया गया है ही कंक्लूड विद द लाइन्स ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो तो इस जो पोट्री का कंक्लूजन होता है इस वाक्य के साथ कि ब्यूटी ट्रूथ है ट्रूथ ब्यूटी है इस तरह से बस इतना ही आपको ज़िंदगी में जानना है और कुछ नहीं जानना इस तरह से तो ये बहुत ही सुंदर पोयम है जिसमें बताया गया है कि कैसे जो आर्ट है वो अमर है और कैसे जो आ, इंसानी ज़िंदगी ख़त्म होती है अगेन इसमें वही थीम है कुछ मिलता जुलता थीम है द ओड ऑन मेलानकली द नेक्स्ट ओड है उनका द ओड ऑन मेलानकली रिकोगगनाइजेज दैट सैडनेस इन द इनिवेटेबल्स कमिटमेंट ऑफ द ह्यूमन पैशन एंड हैप्पीनेस एंड देर द्रांजिंस ऑफ जॉय एंड डिज़ायर इनिवेटेबल अस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेस इसमें भी थोड़ा मिलता जुलता ही थीम है कि जो ह्यूमन पैशन है वो कैसे वो ह्यूमन पैशन और जो हैपीनेस है वो कैसे छड़ भंगूर है और कैसे जो आर्ट है वो परमानेंट है और कैसे जो ज़िंदगी है वो कभी नहीं रुकती है अब नेक्स्ट ओड है ऑटमन ऑटमन थोड़ा सा जो थीम है वो चेयरफुल थीम है कुछ ज़्यादा इसमें जो Uh, ज़्यादा दुख दुखी वाली बात नहीं है बल्कि एकदम चेयरफुल थीम पे लिखा गया है ये ऑटमन इज द एसेंशियल इज द रिकॉर्ड ऑफ सच एन एक्सपीरियंस ऑटमन इज सीन नॉट एज ए टाइम ऑफ डिके बट इज़ सीजन ऑफ कंप्लीट राइपनेस एंड फुलफिलमेंट अब आमतौर पे जो ऑटमन का सीज़न है ऑटमन का मतलब होता है पतझड़ का सीज़न तो बट इस ऑड टू ऑटमन में पतझड़ को संबोधित करते हुए जो आ, जो पोएट है पोएम लिखते हैं ऑड लिखते हैं और ये जो कहते हैं कि जो ऑटमन का जो सीज़न है लोगों को लगता है कि ये अच्छा सीज़न नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सीज़न है ये राइपनेस का सीज़न है पूरे जो फल होते हैं वो पक जाए रहते हैं और सब तरफ़ फुलमेंट फुलफिलमेंट रहता है और सब 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 कुछ जो फ्रूटेशन का सीज़न इस तरह से वो कहते हैं अ पॉज इन टाइम ववरी थिंग हैज़ रीच्ड फ्रूटेशन दिस पोएम्स विथ दियर रिच एंड एक्सक्रटली सेंश डिटेल्स एंड देयर मेडिटेटिव डेप्थ आर एमोंग द्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ रोमांटिक पोट्री ये जो पोयम है बहुत ही रोमांटिक अचीवमेंट का ग्रेट पोयम माना जाता है वो बताते हैं कितने सुंदर से डिस्क्रिप्शन करते हैं वो जो ऑटोमन होता है पतझड़ को लड़की बना देते हैं लड़की वो कहते हैं कि एक लड़की है पतझड़ एक लड़की है जो कि फील्ड में ले बैठी हुई है और उसके सारे बाल बिखरे हुए हैं जैसे कि चारों तरफ पत्ते बिखरे हैं उस तरह से उसके बाल बिखरे हुए हैं इस तरह से वो कहते हैं तो एक एक तरह का पर्सोनिफिकेशन एक तरह से ह्यूम मानवीकरण किया गया है ऑटमन का कैसे सुंदर सुंदर फूल आ, उग फूल बिखरे पड़े हैं प्रकृति में इस तरह से उनका बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है इसमें दौ टू ऑटमन में अब ये गौर करने वाली बात है ये सारी चीज़ें ये सारी ब्यूटी की बात ये सारी प्लेजर की बात उस इंसान के माइंड से आ रही है जो कि खुद दिन भर दुखी है खुद दिन भर बीमारी से ग्रस्त है With them should be mentioned the ballad, the La द बेलेड sans Merci, of about the same time which द the opposite and the destructive sides of idyllic love in Eve of Saint Agnes. अब उन्होंने एक और पोएम लिखा था डा ला बेलेड डैम सेंस मर्सी थोड़ा नाम इटैलियन है इसका एक ये बैलेट था बैलेट यानी होता है एक तरह से पोएम जो कि मतलब उसको रिटर्न नहीं किया जाता बल्कि उसको कहानी बोली जाती है इस तरह से ये पोएम था और इस पोएम में एक नाइट की कहानी उन्होंने कही है और इसमें जो थीम है वो ईव ऑफ सेंट एग्निस के थीम से थोड़ा अलग है और थोड़ा आ, नेगेटिव थीम है थोड़ा सा इसमें किड्स फ्रेगमेंट्री पोएटिक एपिक एग्जिस्ट एग्जिस्टेंट टू वर्जन्स अब उन्होंने एक पोएटिक एपिक भी लिखा है शॉर्ट एपिक जो कि हेपेरियन नाम से है वो दो दो वर्जन में है एक फर्स्ट पार्ट एक सेकेंड पार्ट फिर बाद में उन्होंने इस एपी को कम्प्लीट नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिल्टोनिक ओवरटोन था और वो इस तरह की पोट्री वो नहीं लिखना चाहते थे द पोयम इज़ लास्ट अटैम्प्ट इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग एलनेस एंड फ्रस्टेटेड लव टू कम टू टर्म्स विद द कॉन्फ्लिक्ट विद्सुलूट वैल्यू एंड द मोटल डिके दैट अपेयर्स इन अदर फॉर्म्स इन हिज अर्लियर वर्क पोट्री अब ये जो पोएम था हाईपेरियन वो लास्ट अटैम्प्ट था मतलब इसके बाद उन्होंने कोई पोट्री कोई पोट्रिक वर्क नहीं लिखा क्यों क्योंकि उनकी जो बीमारी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस, इसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करने लगे और अपनी बीमारी से जूझने लगे सो किड्स कुड़ नॉट एडवांस एंड एनी फर्दर इन दिस डायरेक्शन दैट फॉर ही सी एज़ ही राइट वन एंड द पोएम्स रिमेन ए फ्रैगमेंट और ये पोएम फ्रैगमेंट रह गई ये कम्प्लीट नहीं हो पाई द पोएम्स सीसा लेमिना दू ऑफ सेंटेग्निस एंड हाईपेरियन एंड द ओड आर ऑल पब्लिश इन फेमस एटीन ट्वेंटी वॉलीम ये सारे सारे पोए एटीन ट्वेंटी वॉलीम में उनका जो था पोट्री उसमें पब्लिश हुआ द वन देट गिव्स द ट्रू मेजर ऑफ हिस पावर और उनका जो ये सारा का सारा ये जो पोयम था बहुत ही पॉपुलर हुआ और उनके जो पोटिक एक्ूमन के उनकी पोटिक क्षमता को अच्छी तरह से व्यक्त करता है ये सारा पोएम्स इट अपियर इन जुलाई बाई विच टाइम किड्स वॉज एविडेंटली डूम्ड अब ये सारा का सारा जुलाई में आया लेकिन उस समय तक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी ही हैड बिन इंक्रीजिंगली इल थ्रू आउट एटीन नाइनटीन एंड बाई द बिगनिंग ऑफ द एटीन ट्वेंटी द एविडेंस ऑफ ट्यूबर क्लासेस वॉज क्लियर ही रियलाइज दैट इट वॉज इज डेथ वॉरेंट एंड फ्रॉम दिस टाइम सस्टेन वर्क विकेम इम्पॉसिबल अब एटीन नाइन्टीन में बीमारी के लक्षण ज़्यादा उभर गए और एटीन ट्वेंटी में पूरी तरह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया पोटिक पोटिक काम में क्योंकि उनको लग गया कि अब उनका डेथ वारंट आ गया है ट्यूबर का हिज फ्रेंड ब्राउन द हंट द ब्राउन एंड हर मदर नर्सड हिज हम टायरलेसली थ्रू द ईयर अब उनके जो फ्रेंड्स थे ब्राउन लेग हंट और फैनी ब्राउन जो उनकी गर्ल फ्रेंड थी ये सारे के सारे उनको बहुत ज़्यादा उनको नर्स किया उनकी आखिरी आखिरी ईयर्स में पर्सी बाइस शैली हेयरिंग कंडीशन रोड ऑफरिंग हिम हॉस्पिटैलिटी इन पिज़्ज़ा बट किर्ड्स डिड नाट एक्सेप्ट अब हुआ ये कि पर्सी बाइज शैली जो उनके फ्रेंड थे उसी समय वो भी आ, उन उनको उन्होंने उनके इनकी कंडीशन के बारे में पता चला तो उन्होंने उनको पिज़्ज़ा में बुलाया कि आओ हमारे साथ थोड़े दिन रहो लेकिन किर्ड्स ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया अब पर्सी बाइज शैली और जॉन किर्ट्स लगभग कंटेम्प्री थे दोनों राइवल्स भी थे आ, मतलब उनके में हेल्दी राइवल थी उनके आपस में वो कुछ पोएम लिखते थे उधर जॉन उधर शेली भी कुछ पोएम्स लिखते थे इस तरह से वन किड्स वॉज ऑर्डर्ड साउथ फॉर दिन जॉब से कंपनी ए कंपनी हिम टू द रोम अब हुआ ये कि इंग्लैंड का जो वेदर था बहुत ज़्यादा ठंड से भरा था बहुत ज़्यादा कोल्ड था तो उससे उनका टर्वर क्लासेस और ज़्यादा बढ़ रहा था तो उनके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा वार्मर क्लाइमेट में जाइए थोड़ा जहाँ थोड़ा, थोड़ा गर्मी हो तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप रोम जाइए रोम में थोड़ा गर्मी है थोड़ा आपको आराम मिलेगा तो वो अपने एक दोस्त सरवन के साथ जो कि पेंटर थे वो रोम चले गए कुछ दिनों के लिए वहीं उनकी मौत हुई दे सेल्ड इन सेप्टेम्बर एटीन ट्वेंटी एन फ्राम नेपल्स दे वेंट टू रोम वेयर इन अर्ली डिसम्बर किड्स डिटेडन फेथ फेथफुली टेंडेड बाई दिस सर्वन टू द लास्ट ही डाइड इन रोम और वो आखिरी तक सर्वन जो थे पेंटर उनकी सेवा करते रहे और ऐसा कहते हैं सर्वन की जब जब उनकी मौत हो रही थी तो उनको उन्होंने मुझे एकदम कस के जकड़ लिया था मेरे हाथ को एकदम कस के जकड़ लिए थे इस तरह से वो कहते मतलब बहुत ही पेनफुल डेथ हुई जॉन किड्स की सो सैड ग्रेट पोएट अब जॉन किड्स की मौत पे उनके जो एक जो उनके फ्रेंड थे पोएट पी बी शैली बहुत ही फेमस पोएट थे वो भी रोमांटिक एज के उन्होंने एक एलगी लिखा है एडोनीस करके उनको संबोधित करते हुए एलगी लिखा है अलग मतलब एक तरह का पोएम होता है जो कि किसी के मौत पे लिखा जाता है या किसी के मौत के मॉर्निंग पे मौत को का दुख व्यक्त करते हुए लिखा जाता है तो बहुत ही फेमस अलगी है एडोनीस करके और उन्होंने इसमें लिखा है कि कैसे जो ब्लैकवुड मैगजीन रिव्यूअर और जो क्वार्टरली रिव्यूज के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने खूब क्रिटिसाइज़ किया जॉन किड्स को और इससे वो काफ़ी हर्ट हुए और उनका जो जो इलनेस था इससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रभावित हो गया और वो उनका जो डेथ था वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया इससे ऐसा उन्होंने लिखा है सो Uh, बहुत ही सैड स्टोरी है उनकी लाइफ की बात उनका जो पोट्रिक करियर है बहुत ही ज़्यादा दमदार है और सोचिए कि उन उन्होंने एटीन सिक्सटीन में पोट्र लिखना पोट्री लिखना शुरू किया एटीन सेवेंटी में अच्छे से पोट्री लिखना शुरू कर दिए वो और एटीन नाइनटीन में उनके ऊपर अटैक होता है एटीन नाइन्टीन में बहुत सारा पोट्री लिखते हैं और एटीन ट्वेंटी में वो पोट्री लिखना बंद कर देते हैं और एटीन ट्वेंटी में पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं और एटीन ट्वेंटी वन में उनकी मौत हो जाती है मतलब बहुत ही ऑलमोस्ट दो इयर्स के टाइम में ही उन्होंने सारी ग्रेट पोर्ट्री लिखी है और उस पोर्ट्री में वो लिख के वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी उनका कंपेरिजन शेक्सपियर के साथ किया जाता है और उन्होंने एक बार कहा था कि वो लेटर्स लिखते थे लेटर के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करते थे अपनी गर्लफ्रेंड फैनी को अपने दोस्तों को लेटर लिखते थे अपने ब्रदर को लेटर लिखते थे और लेटर के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करते थे और वो जो लेटर है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में कि उनको किसी 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 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है और वो उसको जॉन किट्स के पोट्री को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट धरोहर के रूप में माना जाता है तो उन्होंने इस लेटर्स में लिखा है कि कैसे लगता है मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा अटैक किया जा रहा है मैं पोट्री लिखना बंद कर दूँ और उसके बाद जो बंद कर दूँ घर के पर बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे लगता है कि मैं एक दिन इंग्लिश पोर्ट्स के साथ होंगे आई आई थिंक आई विल बी अमॉन्ग इंग्लिश पोर्ट्स फिर इसके लिए जॉन जो जॉन किट्स का प्रेस करते हुए एक क्रिटिक मैथियो ने लिखा है ही इज़ ही इज़ विद शेक्सपियर वो है वो हैं पोर्ट्स के साथ और वो शेक्सपियर के साथ हैं इस तरह से फिर उन्होंने किसी कहीं पर लिखा है कि मेरे एपिटाफ में लिखना कि देयर लाइस ए मैन हुज ज़ नेम इज़ रिट इन वाटर मतलब यहाँ पर एक आदमी सोया हुआ है जिसका जो जिसका जो नाम है वाटर में लिखा गया है वाटर में कैसे लिखा जाता है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो टेम्प्रेरी है लेकिन इस पर भी मैथ्यू और ने कहा कि हाँ उनका नाम तो वाटर में लिखा गया है लेकिन वो जो वाटर है वो लाइफ का वाटर है इस तरह से उनको काफ़ी काफ़ी सराहा गया है और आज का जनरेशन और मॉडर्न जनरेशन उनको काफ़ी सराहते हैं उनकी पोटी को काफ़ी सराहते हैं तो so, इन इस तरह की उनकी लाइफ थी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ सो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू